अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज हम रस्ट के सेशन 5 का आगाज़ करने लगे हैं, जो कि हमारा ओवरऑल सेशन नंबर 11 होगा। इसमें हम क्विकली एक तो देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में कमेंट्स कैसे डाल सकते हैं, और देन कमेंट्स के बाद हम सीधे आ जाएंगे इफ के ऊपर, और फिर इफ को डिस्कस भी कर लेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख भी लेंगे। इससे पहले हमारे ग्रुप के ऊपर ही एक स्टूडेंट थे, उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि अब आई डोंट थिंक कि वो खटक साहब ही थे या कोई और थे, कि वो ट्यूपल को मल्टीप्लाई वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। जो तो इसके लिए ये कोड जो है अभी आपके सामने नजर आ रहा होगा, कर तो ये टुपल की मल्टीप्लिकेशन का कोड है कि कैसे हम एक टुपल डिस्क्राइब कर लेते हैं एस के नाम से। इसके अंदर हमने वैल्यूज दे दी हैं एस, ना और फिर हमने एक और टुपल डिजाइन किया एस टू के नाम से, और उसको हमने क्या किया कि उसके पहले एलिमेंट में हमने एस वाला जो टुपल था उसके जीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई थी जो कि वन है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टू से। फिर और जो उसका आंसर आया ना, वो एस टू का पहला एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पे हमने एस वन के इंडेक्स नंबर वन के ऊपर पड़े हुए जो भी वैल्यू है, जो कि इस केस में टू होगा, उसको मल्टीप्लाई किया टू से। जो भी आंसर आया यानी कि 2 2 4, तो वो एस टू का एलिमेंट नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। और फिर हमने क्या किया कि हमने बाद में एस की वैल्यू भी प्रिंट करवा ली और देन एस टू की वैल्यू भी प्रिंट करवा ली। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो ये हमें नंबर 1 तो आउटपुट देगा पहले वाले उसकी ट्रिपल की एस की, जिसके अंदर वो शो कर देगा 1 2 3 4 5, और देन फिर दूसरी ये जो लाइन है जो भी हाईलाइट हुई है इसके अंदर, ये एस टू ट्रिपल को हमें शो करवाएगा, जिसके अंदर हमने एस वन के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको हम चला के देखते हैं। तो ये देखें, ये पहले वाला जो डिस्प्ले हो रहा है उसके अंदर 1 2 3 4 5, और देन दूसरे वाले में वही ऊपर वाली वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो हमने एक नए टुपल एस टू में स्टोर किया था, और उसमें यहाँ सेकेंड वाली जो प्रिंट करने की लाइन है उसके अंदर हमने उस एस टू को डिस्प्ले कराया। सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया आप लोगों के साथ। ये देखें, ये हमने कार्गो रन किया तो हमारे सामने जो पहला टुपल आ रहा था 1 2 3 4 5 था, और सेकेंड टुपल हमने बनाते हुए ही उस पहले टुपल के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको टुपल 2 के अंदर स्टोर करवा लिया था, और देन फिर जब हमने टुपल 2 को प्रिंट एलाइन किया तो उससे हमारी सेकेंड वाली जो रो है ये प्रोड्यूस हुई, ये वाली। ठीक है, एक बार फिर हम कोड को एक नज़र देख लेते हैं और उसके बाद हम अपने रेगुलर सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये कोड था, इसमें सबसे पहले एक टुपल डिफाइन हो रहा है एस के नाम से, और फिर एक और टुपल डिफाइन हो रहा है एस टू, और जिसका हर एलिमेंट हम एस वन के हर एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको एस टू के टुपल का एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, और देन फिर बाद में हम उनको प्रिंट कर रहे हैं दोनों टुपल्स को, एस को भी और एस टू को भी। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल में ग्रुप के ऊपर, वो किसी ने किया था कि हम अगर इस तरह का कोई हरकत करना चाहें तो किस तरह कर लेंगे, तो वो उसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये आपके सामने इस डिस्प्ले हो रहा है। एनीवे जी, यहाँ से मूव करते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कमेंट्स,
कमेंट ऐड करने की जरूरत हमें कहाँ पेश आती है? अभी तुम छोटे छोटे 5-10 लाइंस के प्रोग्राम बना रहे हैं, जब हमारा प्रोग्राम काफ़ी बड़े हो जाएंगे और उसमें मल्टीपल फंक्शंस आ रहे होंगे, फंक्शंस भी सर ने पढ़ाने हैं और लाइक वो हंड्रेड्स ऑफ लाइन का कोड बन जाएगा, तो एट दैट मोमेंट बसा औकात, या आप अपना बेशक 20 लाइंस का भी बनाया हुआ प्रोग्राम अगर एक साल बाद खोल कर देखें ना, तो बसा औकात याद नहीं रहता कि यहाँ पे हमने ये वेरिएबल क्यों यूज़ किया है, या यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों लगाई है, यहाँ पे क्या काम करिए। तो अगर हम अपनी याद दहानी के लिए ड्यूरिंग प्रोग्राम कोडिंग कोई कमेंट्स ऐड करना चाहें कि फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट लाइन है ना, इसमें मैं ये चीज़ कैलकुलेट करवा रहा हूँ, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम या कोई और बंदा जब हमारा कोड पढ़ेगा ना, तो वो उस लाइन से पहले अगर आपने कमेंट ऐड किया होगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो रही है, या इस कैलकुलेशन या स्टेटमेंट को डालने की यहाँ पे ये ज़रूरत थी जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट डाली गई ना। तो इससे किसी और को जो कि आपका कोड रीड कर रहा है उसको भी फ़ायदा होगा कि उसको थोड़ा सा आइडिया हिंट्स मिल जाए करेंगे बीच बीच में प्रोग्राम की लाइंस के कमेंट्स की वजह से। और सेकंड ये कि अगर आप भी कुछ अर्से के बाद अपना कोड खोलते हैं और आपको उस वक्त फौरी याद नहीं आता कि ये प्रोग्राम में ये वाली स्टेटमेंट्स मैंने किस लिए लगाई थी, तो अगर आपने वहाँ पे कमेंट्स ऐड किए होंगे तो आपको हेल्प आउट कर देंगे। तो कमेंट्स मेक कोड ईजी टू अंडरस्टैंड व्हेन समटाइम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन इज वारंटेड। तो सिंपली जी वही चीज़ लिखी हुई है कि जब आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है कोई रेफरेंस लेने के लिए तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कमेंट्स की फॉर्म ऐड कर देते हैं, और कंपाइलर जब आपके प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होता है तो जितनी भी कमेंट्स वाली लाइंस होती हैं ना, उनको वो इग्नोर कर देता है, उनको वो कंपाइल करते हुए जो आपका आउटपुट निकल रही होती है वो फाइल, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, उसका वो पार्ट नहीं बनाता। लेकिन आपके सोर्स कोड में वो लाइंस पड़ी रहती हैं जो आपका कोड है, जो आपने अपने रस्ट की लैंग्वेज में कोड किया हुआ है, और उससे क्या फ़ायदा होता है कि कल की लैंग्वेज में आप सोर्स कोड आप पढ़ रहे हो या कोई और पढ़ रहा हो तो उसको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। कमेंट डालने का तरीका बड़ा सादा सा है, आप 2 स्लैशेस डाल दें किसी भी जगह जहाँ से आप कमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ कमेंट स्टार्ट करने से पहले तो आप लाइन के शुरू में डालें, लाइन के एंड में डालें, लेकिन ये जहन में रख लें कि एक लाइन में जहाँ से कमेंट स्टार्ट हो गए और कमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको 2 स्लैशेस डालनी पड़ती हैं, वहाँ से लेके 2 स्लैशेस से लेके उस लाइन के एंड तक जितना कुछ भी लिखा होगा वो सब का सब क्या कंसीडर होगा, कमेंट कंसीडर होगा, और कंपाइलर उसको बिल्कुल भी रीड नहीं करेगा। यानी कि जहाँ पे भी आपके कोड के अंदर कंपाइलर को किसी जगह पे 2 लाइंस नज़र आ गई, 2 स्लैशेस नज़र आ गई, तो वहाँ से लेके उस लाइन के एंड तक जो भी लिखा होगा ना, कंपाइलर उस पर तवज्जो नहीं देगा, वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वक्त मैं कमेंट लेने की पोजिशन में नहीं हूँ, अलबत्त अगर कोई कमेंट है तो आप चैट विंडो में पोस्ट कर दें, अगर मुझे वो नज़र आ गए तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वैसे मैं नॉर्मली जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा एक सेशन आगे चला के ना फिर लिया करता हूँ, उससे होता है कि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती, और दूसरी बात ये कि ये भी हो सकता है कि आपका जो सवाल है उसका आंसर अगली किसी स्लाइड में आ ही रहा हो। ठीक है, तो नॉर्मली मेरा तरीकाकार ये होता है कि मैं कमेंट्स या जो भी हम सेक्शन पढ़ रहे होते हैं ना, उस सेक्शन को कम्प्लीट करने के बाद में आपसे क्वेश्चंस वाला सेशन स्टार्ट करता हूँ, और अगर आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ उसको लिख के रख लें। अगर एंड तक, यानी कि जिस वक्त तक मैं क्वेश्चन के लिए कॉल करता है तब तक अगर आपका वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता अगली स्लाइड्स में, तो फिर आप वो ज़रूर तब पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये देखें जी, आपके सामने 2 कमेंट्स की एग्जांपल आ रही है। एक कमेंट है मल्टी लाइन में, जो पहले वाला है कि आपने 3 लाइन्स में ना कमेंट्स दिए, और मैंने आपको बताया कमेंट्स देने का तरीका क्या है कि आप 2 स्लैशेस लगा दें और उसके बाद आप उस लाइन पे जो भी लिखेंगे वो कमेंट ही कंसीडर होगा। अगर आपके मल्टी लाइन कमेंट्स हैं तो आप दूसरी लाइन भी स्लैशेस लगा दें और उसके बाद आगे कुछ लिखना शुरू कर दें कमेंट्स, इसी तरह से सो ऑन। जो सेकंड है, जो एग्जांपल दी हुई है राइट साइड के ऊपर, उसके अंदर एक ही लाइन में वो कमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो ये सेम आपके सामने 2 एग्जांपल हैं कि आप मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे दे सकते हैं और सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे दे सकते हैं। तो पूरी लाइन में कहीं भी, और आप ये भी कर सकते हैं कि आपने आधी लाइन में स्टेटमेंट लिखी भी हो जो कि प्रॉपर आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, और देन उस स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन लगाने के बाद फिर आप एक स्पेस दे के 2 स्लैशेस लगाएं और उस लाइन के बारे में कमेंट्स दे दें कि इस वाली लाइन में ये काम मैं करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल होगा, जहाँ से किसी लाइन के शुरू में, मिड में, एंड में, जहाँ से इसको कंपाइलर को 2 स्लैशेस मिलती हैं, उसके बाद से ऑनवर्ड सारे का सारा डाटा उस लाइन के अंदर एंड तक कंपाइलर इग्नोर कर देगा।
ठीक है जी, ये थी कमेंट्स। कमेंट्स की हम एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे ही जो मैंने भी कोड आपको दिखाया था वो ट्रिपल की मल्टीप्लिकेशन वाला, उसके अंदर भी मैंने एक दो लाइंस को कमेंट किया हुआ था, तो भी हम देख लेते हैं। ये देखें, मैंने पूरी कमांड लिखी हुई थी, लेट स्पेसेस इज इक्वल टू स्पेसेस डॉट लेंथ। ये मैं कोई और काम कर रहा था तो उस कोडिंग के दौरान में ये वाली कमांड लिखी हुई थी। फिर बाद में जब मैं यानी कि इस वाली एग्जांपल पे काम करने लगा तो ये वाली जो लाइन थी इसको मैंने कमेंट कर दिया था, इसीलिए कि ये आपके लिए एग्जांपल भी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल वैलिड कमांड लिखी हुई है और ये बिल्कुल अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करते और अगर ये एरे होता, यहाँ पे एक स्पेसेस का हम एरे बना लें और फिर मैं ये वाला काम करूँ, तो ये बिल्कुल कुछ आउटपुट देगी, ठीक। लेकिन जब मैंने इसके शुरू में दो स्लैशेस डाल दिए, अब देखें इससे एक दो कलर चेंज हो गया, ग्रीन सी हो गई है। और सेकेंड ये कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये बिल्कुल कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। इसी तरह अब मैं सेकंड काम ये करता हूँ कि मैं ये देखें कमांड लिखी हुई है प्रिंट एलन की पहली वाली, इसके एंड में मैं टेस्ट कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं अपनी टर्मिनल की विंडो पे, और यहाँ पे हम कार्गो रन करते हैं तो देखें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने जो ये वाली लाइन है ना, ये जहाँ प्रिंट हो रही थी इसके आखिर में दो स्लैशेस डाल के टेस्ट लिख दिया था, तो देखें उस टेस्ट का यहाँ पे कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दो स्लैशेस के बाद जो कुछ भी था वो कंपाइलर ने इग्नोर कर दिया। हम वापस अपने कोड में चलते हैं और अब हम ये करते हैं कि हम किसी चलती हुई लाइन को, फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो लाइन है जो कि पहला कोड प्रिंट कर रही है, मैं इसके शुरू में ये दो स्लैश लगा देता हूँ। अब देखें चूंकि शुरू में मैंने दो स्लैश लगाया तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे किसी लाइन के अंदर कंपाइलर को दो स्लैश मिलते हैं वहाँ से आगे वाली ये पूरी की पूरी एंड तक लाइन जो है ना उसके अंदर जो भी लिखा होता है उसको एज ए टेक्स्ट ले लेता है, उसको कंपाइल नहीं करता, उसको यूज नहीं करता। तो देखिए मैंने इस प्रिंट एलन के शुरू में ही दो स्लैशेस लगा दिए, सेव किया, और अब जब मैं अपने टर्मिनल में जाके इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करूँगा अब देखिए उसने सिर्फ एक ही लाइन शो की है। ये जो पिछली एग्जीक्यूशन में ये वाली लाइन शो हो रही थी ना, ये गायब हो गई है। क्यों गायब हो गई है, हम दोबारा से देखें, चला के देखते हैं प्रिंट, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट हो रही है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मैंने वो जो लाइन थी उसके शुरू में दो स्लैशेस डाल दिए तो ये पूरी की पूरी लाइन एक कमेंट बन गई। तो अब इसका एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब इसको वापस एग्जीक्यूशन मोड में लाने के लिए मैं इसके शुरू में से ये दो स्लैशेस हटा दूंगा। अब ये लाइन दोबारा एक्टिव हो गई है और अब अगर मैं अपनी टर्मिनल विंडो में जाके इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाता हूँ तो ये देखें वो लाइन की प्रिंटिंग वाले जो एक्टिविटी थी वो वापस आ गई, ठीक है। तो ये होते हैं जी कमेंट। और अभी मैं आप लोगों के माइक से कंट्रोल आप लोगों को वापस लौटाने लगा हूँ, तो अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लें अपना माइक अनम्यूट करके, अदरवाइज़ फिर हम आज का जो दूसरा एरिया है जो आज हमने डिस्कस करना है उसके ऊपर चलेंगे। तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज़। जी मरियम, आपने हैंड रेस किया था, कोई सवाल है आपका? दो बातें जो जिन्होंने आज पहली बार सेशन ज्वाइन किया उनके लिए कि अगर आप मोबाइल फोन के ऊपर हैं तो अगर आप अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में पकड़ लें तो आपको स्क्रीन ज्यादा क्लियर और विजिबल नजर आना शुरू हो जाएगी, नंबर एक। और नंबर दो, अगर आप सवाल करना चाह रहे हैं कोई तो आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक करें तो आपके नीचे वो कंट्रोल समूदार हो जाएंगे, उसमें लेफ्ट साइड पे नीचे पहला कंट्रोल है ऑडियो का, एक माइक सा बना हुआ है जिसपे क्रॉस लगा होगा, उस पर आप एक बार क्लिक करें तो आपका माइक ऑन हो जाएगा और फिर आप जो भी बोलेंगी वो हम सबको सुनाई दे रहा होगा एज ए क्वेश्चन। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना फिर हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल।
जी, आपको कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें। अगर हम कमेंट ना करें तो कोई मसला तो नहीं है ना, मतलब कि तो इसकी जरूरत क्या है करने की कमेंट? जी मैंने एक्सप्लेन किया था अभी शुरू में कि आप प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं, तो आपको पता है कि आप प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं, उसमें आप जो लाइन लिख रहे हैं, जो भी कमांड लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं। लेकिन सपोज अपना प्रोग्राम किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसको तो नहीं पता कि आपने ये जो 50 लाइंस ऑफ द कोड लिखे हैं उसमें से ये जो 25वीं लाइन है वो क्यों लिखी है, 30वीं लाइन में अगर आपने कोई इफ लगाया है तो वो क्यों लगाया है, अगर आपने कोई फंक्शन कॉल किया है तो क्यों किया है ना। आपको तो पता होगा, बट अगर आप कोड फॉर एग्जांपल मुझसे शेयर करते हैं तो मुझे नहीं पता होगा। तो मुझे पहले आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा रीड करके ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देके उसकी लॉजिक समझनी होगी कि आप ये कमांड क्यों चला रहे हो, वो कमांड क्यों चला रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने प्रोग्राम में बीच बीच में इस तरह कमेंट्स किए होंगे कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ ये मैं इस वजह से लिख रही हूँ, या इस स्टेटमेंट को डालने का मकसद मेरा ये है, तो इससे ये फिर फायदा होगा कि जब मैं आपका प्रोग्राम रीड करना शुरू करूंगा और उसमें मैं बीच बीच में कमेंट्स पढ़ूंगा ना, तो मुझे आइडिया होगा हो जाएगा कि अच्छा ये जो अगली स्टेटमेंट लिखी हुई है ये इस वजह से लिखी हुई है। पहली बात तो ये हो जाएगी। दूसरी बात ये कि आपका प्रोग्राम अगर आप खुद भी अगर एक साल के बाद खोलें ना, तो आपको उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, टाइम लगेगा कि ये कमांड मैंने क्यों लिखी थी, क्या वजह थी। तो उस सूरत में अगर आपने ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, जब आप फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को कोड कर रहे थे, उस वक्त अगर आपने साथ साथ कमेंट्स ऐड कर दिए होंगे ना, तो आपको खुद भी आसानी हो जाएगी कि कल कल आपको आप 6 महीने के बाद अगर अपना ही कोड पढ़ते हैं तो आपको समझने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर अपना कोड किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं उसको भी आसानी हो जाएगी। या आप असाइनमेंट बना रहे हैं और आप असाइनमेंट बनाते हुए उसमें कोई कमेंट्स दे देते हैं, तो सर जब आपकी असाइनमेंट चेक कर रहे होंगे ना, तो उनको आपकी लॉजिक समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा। उसकी नस्बत अगर आपने साथ साथ कमेंट्स दे दिए हैं कि जनाब ये जो वेरिएबल मैंने यूज़ किया इसमें मैं फलां चीज़ स्टोर कर रही हूँ, देखे ना आप लोग होते हैं वो कहते हैं जी लेट एक्स इज इक्वल टू 1 और लेट वाई इज इक्वल टू 2। अब आगे आपने उस पर कोई काम कराया हुआ है तो अगर आप साथ ही वो जहाँ लेट एक्स इज इक्वल टू 1 किया हुआ है तो आप उसमें कमेंट डाल देंगे जो एक्स वेरिएबल है ना इसमें मैं फॉर एग्जाम्पल एज स्टोर कर रही हूँ, तो साथ आपने कमेंट डाला होगा तो सर को फौरन पता चलेगा कि अच्छा भाई ये जो एक्स वेरिएबल का नाम इसके अंदर इस स्टूडेंट ने एज की वैल्यू स्टोर की है और आगे जहाँ पे एक्स आ रहा होगा वहाँ पर ये एज के ऊपर को काम कर रहा होगा। तो सर को ना फौरन प्रोग्राम की लॉजिक में एक्स का काम समझ में आ जाएगा कि जो एक्स वेरिएबल है इसमें एक्चुअली एज का डाटा आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। इस वजह से करते हैं, अगर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू सो मच। चलो जी, अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, और फिर हम बीच में ना दोबारा से, मतलब ये जब इफ वाला स्टेटमेंट खत्म करेंगे तो फिर दोबारा से हम क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो एक बार फिर दोबारा से ले लेंगे, ठीक। तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ, सॉरी स्लाइड की तरफ। अच्छा, कंट्रोल फ्लो से मुराद ये है कि आपका जो प्रोग्राम है ना वो लीनियर फ्लो करता है। लीनियर फ्लो से मुराद ये है कि आपका सबसे पहले जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं कार्गो रन से, तो ये क्या करता है कि ये आपका जो फंक्शन मेन है ना उसको ढूंढता है। अभी तक हमने कोई और फंक्शन नहीं बनाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मतलब एक दो लेक्चर्स के बाद हम फंक्शंस भी बनाना शुरू कर देंगे। तो होगा ये कि अगर आपके प्रोग्राम में 10 फंक्शन बने हुए हैं या 4 फंक्शन बने हुए हैं, तो वो जो रस्ट है ना वो सबसे पहले उन सब में से मेन वाला फंक्शन ढूंढेगा कि मेन फंक्शन कहाँ है, ठीक है। और वो जब उसको मेन फंक्शन मिल जाएगा fn main जो हम बनाते हैं, तो फिर वो उसकी पहली लाइन से ना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा कि वो पहली जो भी कमांड लिखी है उसको चलाएगा, फिर उससे अगली जो कमांड लिखी है उसको चलाएगा, फिर उससे अगली जो कमांड है उसको चलाएगा। तो इस तरह से जो हमारा प्रोग्राम होता है ना वो लीनियर वे में ना रन कर रहा होता है रस्ट का, ठीक है। जो जो कमांड्स आगे आती जा रही हैं वो उनको रन करता जाएगा। अब हम चाहते हैं कि कुछ कमांड कभी रन हो कभी ना हो, यानी कि कुछ इस तरह का हो तो वो कमांड रन हो जाए, अगर उस तरह का ना हो रहा हो तो वो कमांड रन ना हो ना। तो ऐसी सूरत में हमें फिर वो कंट्रोल का जो फ्लो है, जो प्रोग्राम का जो फ्लो है, उसको फिर कंट्रोल करना पड़ता है, उसको लीनियर एग्जीक्यूशन से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो हमें इस हवाले से हेल्प करती हैं कि वो जो प्रोग्राम जो रस्ट का कंपाइलर है वो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं छठी सातवीं आठवीं एंड ऑनवर्ड लाइंस को रन करता जा रहा है,
उसकी जगह अगर हम जब चाह रहे हैं कि नहीं जी आठवीं लाइन एग्जीक्यूट सिर्फ उस वक्त हो जब ये वाला काम हुआ हो वरना ना एग्जीक्यूट हो, तो इस तरह का जो कंट्रोल है हम वो कैसे करेंगे ना, वो कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो मिसे वाले से मदद देती हैं। तो कंट्रोल क्या करता है कि वो ऑर्डर को कंट्रोल करने में आपकी मदद देता है आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, ठीक है। तो इसमें हमारी जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो तीन होते हैं, हम उसको इफ़ की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, फिर इफ़ के साथ हम एल्स भी ऐड करके मज़ीद कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, और फिर हम इफ़ एल्स इफ़ लगा कर मज़ीद कंसाइज कंट्रोल कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को फिर हम वन बाय वन देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ़ पे आ जाते हैं, सादे वाले पे, बिल्कुल सादा सा। देखें जी, हम सपोज कर लेते हैं, अच्छा तो ये जो स्लाइड्स हैं ना, ये वो स्लाइड्स हैं जो हमारे पोर्टल के ऊपर शेयर हुई हुई हैं, ठीक है, एज इट इज। मैं ये बार बार रिपीट कुछ बातें इसलिए कर देता हूँ कि ना हमारे साथ अक्सर बेशतर नए हजरात भी होते हैं, तो उनके लिए है कि ये जो हमारा सेशन है ये बिल्कुल अनऑफिशियल है, इसका एस एच पी आई ए आई सी से मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हम स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो कंटेंट्स हैं इन स्लाइड्स के, वो सेम टू सेम वही हैं जो PIAIC की पोर्टल के ऊपर स्लाइड अपलोड हुई भी थी, वही वाली स्लाइड चल रही हैं, सिर्फ थोड़ा सा ना उनमें रंग भर दिया गया, ठीक है। तो बाकी डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम टू सेम वही है। तो मैं बीच बीच में ना सर ने या जिसने भी वो स्लाइड्स बनाई थी वो उन्होंने अपनी एग्जांपल्स दी हुई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस तरह से आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, मैं उसमें थोड़ा सा कोड अपनी मर्जी का लिख लेता हूँ, ठीक है, या एग्जांपल अपनी मर्जी की दे लेता हूँ। तो असल तो मकसद ये ना कि हमें इफ़ समझ आनी चाहिए, जब हमें इफ़ समझ आ जाएगा तो आप अपनी मर्जी की एग्जाम्पल बना लेंगे खुद से, मैंने अपनी मर्जी की कोई एग्जाम्पल बना ली, कोई और भाई हैं वो अपनी मर्जी की बना लेंगे। तो हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि इफ़ अगर हम पढ़ें तो इफ़ समझ आ जाए, ठीक है, वो मेरी एग्जाम्पल से आ रहा है, जो स्लाइड में दी हुई है उससे आ रहा है, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमें वो समझ आ जाए ना एट द एंड ऑफ द सेशन। तो हम डाटा यहाँ से पढ़ लेंगे और एग्जाम्पल मैं आपके साथ अपनी वाली शेयर करूँगा, ठीक है। तो इफ करता क्या है कि जैसा कि हमने पहले बताया कि ये जो हमारा प्रोग्राम होता है रस्ट का, ये बिल्कुल तरतीब से ना रन हो रहा होता है, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख लेते हैं कि एक नंबर लाइन, दो नंबर लाइन, ठीक है, तीन नंबर लाइन, चार नंबर लाइन। तो जो हमने कमांड लिखी है ना रस्ट वन बाय वन इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये जो लीनियर बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम चल रहा होता है ना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब हम उसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नहीं ये थोड़ा सा इस तरह से ना चले बल्कि ये थोड़ा सा चेंज मोड में आ जाए। तो इस मकसद के लिए जो हम काम करेंगे वो होगा, एक मिनट मेरा स्लाइड पे वापस आ जाऊं, वो होगा कि हम एक टेस्ट बीच में ऐड कर देंगे इफ की मदद से, कि हम कहेंगे कि एक बूलियन टेस्ट, बूलियन टेस्ट से मुराद ये कि बूलियन आपको पता है कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न, या बूलियन की जो वैल्यू होती है वो या ट्रू होती है फॉल्स होती है। तो हम वहां पर ना कोई ऐसा चेक डाल देंगे कि चेक करो कि ये कंडीशन अगर हो रही है, अगर तो हो रही है मतलब ट्रू, तो आप ट्रू वाले ब्लॉक में चले जाओ और उस ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करा दो, और अगर ये ट्रू नहीं हो रही, फॉल्स हो रही है कंडीशन, तो आप क्या करो कि आप उस ट्रू वाले ब्लॉक को स्किप करके आगे चले जाओ और अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम की वो कंटिन्यू कर लो, ठीक है। इसके मिसाल यूँ ले लेते हैं कि अब मैं सुबह का वक्त है, मैं रेडी हो गया हूँ, वो रेडी होके अब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ सपोज ऑफिस जाने के लिए, और मैंने पैदल जाना है ऑफिस, ठीक है। तो मैं बाहर निकल के ये चेक करूँगा कि क्या मौसम बारिश वाला है या मौसम बाहर बारिश हो रही है। अगर तो इसका जवाब आएगा ट्रू, यानी कि जी बिल्कुल बाहर बारिश हो रही है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं अपने घर से अम्ब्रेला उठाऊँगा, उसे ओपन करूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अगर बाहर बारिश नहीं हो रही और इस कंडीशन का जवाब फॉल्स आया कि मैंने बाहर निकल के पोर्च में देखा कि बारिश हो रही है, तो पता चला कि नहीं हो रही, तो फिर मैं वो जो छतरी उठाने वाला पोर्शन है ना उसको स्किप कर दूंगा और ऐसे ही बाहर निकल जाऊंगा, सही है ना। तो ये हम यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि ये यहाँ पे जो बूलियन टेस्ट लिखा हुआ है, इस जगह पे, ठीक है,
तो ये वो बूलियन टेस्ट है जो मैंने चेक करना है कि बारिश हो रही है, ठीक है। ये जो ब्लैक सा डॉट इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाला, ये मैं हूं, ठीक है। तो मैं आया पोर्च में और मैंने आके ये ग्रीन कलर का बूलियन टेस्ट रन किया कि क्या बारिश हो रही है, ठीक है। अब इसके दो ही आउटकम होंगे, अगर बारिश हो रही होगी तो ये ट्रू वाला केस आ जाएगा, ठीक है। अगर ट्रू वाला केस आ गया तो मैं इस जगह पे आ जाऊंगा, ये जो ट्रू वाला ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ट्रू वाले ब्लॉक में आके मैं देखूंगा कि उसमें क्या कमांड्स लिखी हैं। तो वहां पे कमांड लिखी हुई थी कि पिकअप द अम्ब्रेला एंड ओपन इट। तो मैं क्या करूंगा कि मैं पिकअप करूंगा अम्ब्रेला और उसको खोल लूंगा, और खोल के मतलब फिर मैं जो है ना आगे इस नीचे वाले सेक्शन पे आ जाऊंगा, ये जो नीचे एक ये वाला डॉट है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आके मैंने चेक किया कि क्या बारिश हो रही है, पता चला जी ट्रू हो रही है। तो मैं यहाँ ट्रू वाले ब्लॉक में आया, यहाँ लिखा हुआ था कि पिकअप द अम्ब्रेला एंड ओपन इट, तो मैंने वो ओपन किया और देन फिर मैं इस जगह आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ था गो टू ऑफिस, ठीक है। तो मैं ऑफिस चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आ गया, नेक्स्ट डे मैंने फिर ये प्रोग्राम चलाया, ये मैं था, मैं यहाँ से पोर्च में आया, पोर्च में आके मैंने ये बूलियन टेस्ट रन किया कि क्या बारिश हो रही है, तो जवाब आया कि नहीं हो रही, तो ये फॉल्स वाला केस हो गया। तो मैं सिंपल उठकर यहाँ से मैं इधर आ गया, अभी देखिए वो पिकअप द अम्ब्रेला वाला पूरा ब्लॉक ऑफ द कोड नहीं एग्जीक्यूट हुआ। मैं इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे अगली कमांड लिखी हुई थी गो टू ऑफिस, तो मैं यहाँ से निकल के बाहर चला गया, ठीक है। तो ये हमारा एक इफ की कंडीशन का वाला केस होता है कि अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर हम ट्रू वाले ब्लॉक में जो कुछ लिखा होता है वो एग्जीक्यूट करवा लेते हैं और बाकी प्रोग्राम फिर हम चलाना शुरू कर देते हैं बाकी का जो होता है। और अगर उसका जवाब फॉल्स आ जाए तो हम ट्रू वाले जो ब्लॉक है उसको स्किप कर देते हैं और आगे अपना जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम है उस पर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वही बातें लिखी हुई हैं कि अगर एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू ना हो तो फिर क्या होगा, और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। और इसमें उसने बताया कि वो जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ना वो प्रोग्राम के ब्लॉक्स को डिफाइन करें, ट्रू ब्लॉक जो हमने कहा था ना, ये ट्रू ब्लॉक वहाँ पे लिखा होगा तो हम लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा। तो जो ट्रू वाला ब्लॉक बनाना है आपने वो दो कर्ली ब्रैकेट्स ऐड कर देने, उसके दरमियान में जो भी लिखेंगे ना वो ट्रू का ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा अभी हम इसको जाके देख लेते हैं, इससे पहले मैं देख लूँ कि इसकी, चलो ठीक है। तो जी हम जा रहे हैं अपने मेन डॉट आर एस में, या हम कर लेते हैं सफाई, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम आ गया। अब जो हम हाइपोथेसिस प्रोग्राम चूज कर रहे हैं वो ये है कि लेट मार्क्स I-32 is equal to 70, ठीक है। हमारे प्रोग्राम है जो हमें मार्क्स दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अगर तो मार्क्स 50 से ज्यादा हैं तो प्रिंट कर दो पास। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है कि हमें लोग मार्क्स दे रहे हैं, इस प्रोग्राम में मार्क्स आ रहे हैं हमारे मार्क्स नाम के वेरिएबल में, और हम उस पर चेक कर रहे हैं, एक बूलियन कंडीशन लगा रहे हैं। वो क्या बूलियन कंडीशन है, हम लगाते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 तो क्या करूं। अब ये देखें, ये मैं वो ट्रू का ब्लॉक डिफाइन कर रहा हूं इन दो कर्ली ब्रैकेट्स में, मैं कह रहा हूं println you passed the exam, ठीक है। और यहां पे आगे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। या सपोज हम कर देते हैं यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट
लगा लेते हैं। प्रोग्रामेंट की ठीक है। अब आप यहां गौर करें ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। शुरू होने के बाद एक वेरिएबल बनेगा मार्क्स का, उसके अंदर कोई वैल्यू चली जाएगी जो कि इनिशियली 70 जा रही है। फिर ये इफ की मदद से हम एक कंडीशन चेक करें कि क्या मार्क्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 50 है। अगर तो ग्रेटर देन 50 है तो आप पास, आप प्रिंट करो यू पास द एग्जाम, और फिर इस ट्रू के ये देखें ये है, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ स्टार्ट ठीक है। तो ये आ गया ट्रू ब्लॉक का स्टार्ट और ये आ गया ट्रू ब्लॉक का एंड। इसके अंदर जितनी भी लाइंस लिखी होंगी ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे लिख देता हूँ println ठीक है। तो मैंने दो लाइंस इस ब्लॉक में लिख दी थी, और जब ये ब्लॉक खत्म हो जाए तो उसके बाद आप एंड प्रोग्राम एंड का एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा दें। और अगर इस केस में हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम पहले चला के देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देगा। हमने क्या किया हुआ कि मार्क्स हमने यहाँ पे 70 दे दिए ठीक है, और देन हमने उसी मार्क्स के ऊपर चेक लगाया कि वो मार्क्स अगर तो 50 से ज़्यादा हों तो आप प्रिंट कर दें उस स्टूडेंट के लिए जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं सॉरी कि यू पास द एग्जाम कंग्रेचुलेशंस, और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ भी प्रिंट ना करें और एंड में जाके प्रोग्राम एंड प्रिंट करवा दिया जाए ठीक है। अब हम इस कोड को जरा चला के देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये देखें अभी हमने जो प्रोग्राम की जो मार्क्स की वैल्यू दी थी वो थी 70, तो चूंकि 70 50 से ग्रेटर था तो उसने ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया जो कि ट्रू के ब्लॉक के अंदर दिया हुआ था, ट्रू ब्लॉक के अंदर यू पास एग्जाम कंग्रेचुलेशंस, और एंड में फिर प्रोग्राम एंड हो गया था ठीक है। अब हम जाते हैं और अब हम प्रोग्राम की वैल्यू, जो मार्क्स की वैल्यू है ना उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि प्रोग्राम हमें क्या बिहेवियर शो करता है। अब हम सपोज कर देते हैं, अब ये पहला स्टूडेंट था इसके 70 नंबर थे, अब हमारे पास एक और स्टूडेंट आ गया जिसके 40 मार्क्स आए ठीक है, तो हमने उस नए स्टूडेंट के मार्क्स अब डाल दिए, उसके मार्क्स आ गए 40। अब हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं और देखते हैं कि अभी हमें क्या कहेगा। तो चलते हैं हम वापस अपनी टर्मिनल की तरफ, यहाँ पे हम कार को रन करते हैं और देखें अब उसने सिर्फ प्रोग्राम एंड दिया। प्रोग्राम एंड क्यों दिया है कि अब चूंकि इस बंदे के मार्क्स 40 से कम थे तो इसलिए अब क्या हुआ कि अब यानी कि उसने उस ट्रू वाले कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं किया ठीक है। वो दो लाइन जो ऑफ द कोड थी वो तब एग्जीक्यूट होती है जब मार्क्स की वैल्यू 50 से ग्रेटर होती है। अब चूंकि 50 से कम है 40 है तो अब वो उस ट्रू वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट किए बगैर आगे गुजर गया, और अगली जो स्टेटमेंट थी प्रोग्राम की वो थी प्रोग्राम एंड की, तो उसने वो एग्जीक्यूट करवा दी ठीक है। यहाँ पे जी हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक सिर्फ 5 मिनट का, तो 5 मिनट के बाद मैं अभी ग्रुप के ऊपर दोबारा से नया कोड शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है इफ की मजीद। तो मिलते हैं जी 5 मिनट के बाद, मैं नया कोड आप लोगों से वहाँ ग्रुप पे शेयर करता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त, सलाम अलैकुम।